हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम अपने इंटरनेट केबल यानी कि लैन केबल को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस लैन केबल को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपके पास जो RJ45 कनेक्टर होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपको क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप केबल की कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करने के बाद जो केबल का कनेक्टर है उसको आप बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले केबल की कटिंग कर लेनी होगी। कटिंग करने के लिए आपको स्टील का यूज़ करना होगा, और इसको सबसे पहले जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको आप काट के हटा सकते हैं। उसके बाद कट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस टूल के अंदर आपको यहाँ पे आप एक एरिया दिख रहा होगा, उस एरिया के अंदर इस केबल को डालना है और आपको इस टूल के चारों तरफ रिमूव करना है। और रिमूव इस तरीके से करना है कि आपकी जो अंदर की वायर हो वो कटनी नहीं चाहिए। तो सिंपली आपको उसको रिमूव करके और उसके ऊपर जो कवर होता है उस कवर को आपको वहाँ से रिमूव करके हटा देना है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस कवर को हटा रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करूँगा वो ऑटोमेटिक ही बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉटन का यहाँ पे एक लेयर भी मिलेगा, इसको भी आपको कट कर देना है। और कट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको कट करना है, और कट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो आपको यहाँ पर चार केबलें मिलेंगी, जो दो दो केबल यहाँ पेयर है, तो सिंपली सबसे पहले इसके बीच में एक हिस्सा है प्लास्टिक का, आपको इसको कट करके हटा देना है। इसको कट करने का ये फ़ायदा होगा कि जैसे आप कट कर दोगे तो केबल को आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से केबल का जो लेंथ होता है उसको रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे को काफ़ी लंबी केबल की लेंथ की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं लंबी वायर का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर चारों जो केबल की पेयर है उसको एक दूसरे से जो लिपटे हुए हैं उसको आपको अलग कर लेना है। अलग करने के बाद यहाँ पे आपको सभी केबलों को यहाँ पे आपको जो अलग अलग करने के बाद स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट कर लेना होगा। स्ट्रेट करने के बाद आपको उसके बाद कनेक्टर के अंदर लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों केबल हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑरेंज केबल मिल जाएगी, उसके बाद वाइट ऑरेंज मिलेगा, फिर ब्लू मिल जाएगा आपको, फिर वाइट ब्लू मिलेगा, उसके बाद ब्राउन कलर है, फिर वाइट ब्राउन है, सारी आपको सारी केबलें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबको अच्छी तरीके से आपको इसको स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद ही आप अपने कनेक्टर के अंदर इसको लगा सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। या बिल्कुल आपका जो केबल है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो आपके कनेक्टर के अंदर जो कॉपर होती है उसके अंदर प्रॉपर कनेक्ट हो सके, जब भी आप अपने डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्टर का यूज कर सकते हो, जब भी आप इंटरनेट को चला सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ऑरेंज वाइट वाली केबल और उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑरेंज वाली केबल को दूसरे नंबर पे लगा दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू वाली जो केबल होती है वाइट ब्लू केबल को थर्ड नंबर पर रखना है। थर्ड नंबर पर रखने के बाद आपको यहाँ पर जो फोर्थ नंबर आता है, फोर्थ नंबर पर आपको रखना क्या है, फोर्थ नंबर पर आपको जो ग्रीन वाली केबल होती है उसको रख लेना है। उसके बाद आपको जो फिफ्थ नंबर है, पांचवें नंबर पे आपको जो वाइट ग्रीन केबल होती है उसको रख लेना है। इसी प्रकार से आपको जो छठे नंबर पे जो केबल रखना है वो बिल्कुल ब्लू वाली केबल रखना है, ब्लू वाली केबल रखना है। उसके बाद इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। आपको जैसे जैसे आप केबल लगाते जाइएगा वैसे वैसे इसको अच्छी तरीके से स्टेप बाई स्टेप इसको स्ट्रेट करते जाना है। उसके बाद आपको सेवन्थ नंबर पे रखना है, सेवन्थ नंबर पे ब्राउन वाइट वाली केबल को रखना है। उसके बाद यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लास्ट नंबर पे है वो ब्राउन वाली केबल को लगाना है। जैसे ही आप इस केबल को लगा लेते हो तो इसको और अच्छी तरीके से आपको स्ट्रेट करना है। जैसे ही जैसे कि स्ट्रेट करोगे, स्ट्रेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने टूल के थ्रू इसकी कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस केबल को आपस में चेक कर लेना है कि ये कोडिंग जो हमने मिलाया है वो कोडिंग गलत तो नहीं है। उसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है जो आपको जो आठों के आठ केबल है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि आप कनेक्टर जब लगाओ तो कनेक्टर के अंदर जो केबल जा रही है वो केबल कनेक्टर के जो कॉपर वाले हिस्सा होता है उसके अंदर अटैच हो, ताकि आप जब भी अपनी डेस्कटॉप में या किसी भी लैपटॉप या प्रिंटर में आप इसको कनेक्ट करें तो प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। इसलिए टूल के अंदर इस केबल को यानी कि कनेक्टर को लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे आपको इसको देख सकते हैं, इसको कनेक्टर को जैसे कि इसमें आपको शो कर रहा होगा, इस कनेक्टर को अंदर डाल देना है टूल्स के अंदर। उसके बाद हल्का सा प्रेस करना है वायर को। प्रेस करने के बाद आपको अपने टूल्स को
हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एक आवाज़ सी आएगी और आवाज़ आने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो। तो लगाने के बाद देख सकते हैं जैसा कि ये जो केबल है वो केबल तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद आपको करना क्या है, दोनों केबल को एक दूसरे से मैच कर लेना है ताकि इसकी कोडिंग आपको पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इंटरनेट केबल को बनाया है। तो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।